अरे आ रहा हूँ यार। अरे बेल क्यों बजा रहा है बार बार, और ये इतनी जल्दी क्यों ले आ? हाय एडी। हाय, आज कैसे याद आ गई? अबे तेरे पास वो है क्या, प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन? अबे प्रोटेक्शन, साले तूने मुझे समझ क्या रखा है? गलत मत समझ यार, आज एक फ्रेंड आ रही है और मेरे पास बाइक भी नहीं है। अबे दुकान तो होगी आसपास। यार समझ बात को, बाइक मेरा रूम पार्टनर ले गया है, प्लीज यार हेल्प कर देना भाई। तू हमेशा प्लीज प्लीज करके ना काम निकाल लेता है। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू, प्लीज यार। मेरा फ्लैट नंबर है 705। 805? ओ हेलो, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। एक काम कर, तू सिक्योरिटी गार्ड को दे दियो गेट पे, पैक ठीक से कर दियो भाई, फंसवा मत दियो। अरे पूर्वी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? यार क्या बताऊं, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और दूसरी कोई फ्लाइट अभी थी भी नहीं, तो बस इतना सारा टाइम वेस्ट किया और बस मैं घर आ गई। अरे यार तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। 3-4 बार ट्राई किया था मगर तुमने पिक ही नहीं किया, पर तुम कभी समय पर काम आए हो? वो यार शायद मेरा फोन साइलेंट पे रह गया होगा। ओहो, जबरदस्त पार्टी की तैयारी थी, मेरी क्रैश लैंडिंग ने तुम्हारी पार्टी स्पॉइल ही कर दी। अरे यार ऐसा नहीं है यार, जब तुम चली जाती हो ना तो घर सूना सा लगने लगता है, इसलिए कुछ फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ, मगर अब तुम आ गई हो तो उनकी क्या जरूरत है। वाओ, ग्लासेस, विस्की, आइस बॉक्स, कुछ तो है दया, कुछ तो है। इशू, ओनली ड्रिंक्स, नो फूड। अरे यार वो जोशी अरेंज करता, यहीं से मंगा लेते कुछ भी, यू नो, लाइट वाइट सा। मैम आपका ऑर्डर। हमारा नहीं है ईशान जी, 805 ही है ना। मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल पेड है, नो बड़ी मैम। ईशान तिवारी, ये रहा आपका लाइट फूड विद सो मच एनर्जी। अरे वो जोशी ने कर दिया होगा, पागल है, बताया भी नहीं, ऐसा खाना कौन खाता है? हम खाएंगे, तुम फ्रेश होकर आओ, पार्टी ऑल नाइट। जय हिंद मैडम। जय, कौन हो तुम? मैडम साहब जी है क्या? हाँ है, तुम कौन हो? तुम्हें कभी इधर देखा नहीं? मैडम देखे तो हम भी आपको नहीं है, हम आज ही नए ज्वाइन हुए हैं ना। क्या काम है मुझे बताओ। नहीं मैडम, काम उन्हीं से है, दिख नहीं रहे वो कहीं। वॉशरूम में है, जाओ देख लो। वो साहब को कुछ देना था। बताओ क्या काम है, मैं दे दूंगी उनको। उनके दोस्त आए थे, कह के गए थे सिर्फ साहब को देना। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी, जाओ। ईशान! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम्हारा स्पेशल पार्सल आया था, यू कैरेक्टरलेस मैन। तुम्हारा कोई खास दोस्त खास तौर पर तुम्हारे लिए होम डिलीवरी करा के गया है। तुम्हारा कैरेक्टर गिरा हुआ है, ये तो उसी दिन कंफर्म हो गया था जिस दिन तुम फेरों में मेरे साथ बैठे थे, लेकिन पूरा टाइम मेरी फ्रेंड्स और कजन्स को घूर रहे थे। पंडित जी तक ने कहा था बेटा फेरों में ध्यान दे लो। अब शादी में हंसी मजाक तो होता ही है, पर देखो मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। हां ये फिश फ्राइज, स्कॉच और ये एनर्जी बूस्टर। अरे तो क्या तुम्हारी फ्रेंड्स की पार्टी में ये सब नहीं होता है? ये तो बिल्कुल नहीं होता है। सोसाइटी की पार्टी में मीशा अरोरा को देखकर तुम 3-पीस सूट और जूतों में ही कूद पड़े थे पूल में। यार अब कोई डूब रहा हो तो उसे बचाना नहीं चाहिए? जी तब नहीं जब वो 4 फुट पानी में खड़ा हो। अब मुझे ऐसा लगा था कि पानी बहुत गहरा है। पानी गहरा नहीं था, गहरे तुम हो। अब
अगर पानी सच में डीप होता और उन्हें कुछ हो जाता तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो मर जाती तो मैं मिस्टर अरोरा से शादी कर लेती। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी जॉन डगलस बनने की, मिस्टर बेवॉच। अब आदमी किसी का भला भी ना करे, हर पार्टी में लड़कियों के साथ सेल्फियां लेते रहते हो। काम तो तुम सच में बड़े भलाई का करते हो, सोशल वर्क माय फुट। अच्छा, और तुमने हमारी ऑफिस पार्टी में सेल्फी नहीं ली थी हमारे ऑफिस स्टाफ के साथ? अगले दिन डिलीट भी कर दी थी फेसबुक पे अपलोड करने के बाद, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ टैग करने के बाद। अगले दिन पूरा ऑफिस मजे लेकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा था। तुम्हारा ऑफिस में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, चीप। अच्छा, और तुम्हारे वो कॉलेज का ट्रैवलर फ्रेंड? मुझे पता था तुम लकी को बीच में लेकर जरूर आओगे। He is a gentleman. हम कॉलेज में इतने दिन साथ रहे, उसने मुझे कभी टच तक नहीं किया। वाह वाह वाह, लक हो तो लकी जैसा। पहले अपलोड नहीं हो रहा था और अब डिलीट नहीं हो रहा। हाँ मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ मम्मी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, करती हूँ मैं आपको, करती हूँ कॉल। अब समझ आया मुझे, हर 15 दिन बाद पूर्वी अपने घर हो आओ, अपने मम्मी पापा से मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, उनकी लोनलीनेस भी दूर हो जाएगी। लोनलीनेस तो यहाँ चाहिए थी हमारे एनर्जी बूस्टर्स को। ये हमने नहीं मंगाए, कॉम्प्लीमेंट्री है स्विगी की तरफ से। स्विगी तक को पता था यहाँ एनर्जी की काफी रिक्वायरमेंट है, हमारे ईशान बाबू और उनके खास दोस्तों को। पूर्वी प्लीज, अब बात को खत्म करो ना। ठीक है, खत्म करते हैं। कल मैं अपने घर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब हम एक ही बार मिलेंगे कोर्ट में। तुम फिर आ गए, अब क्या नया गिफ्ट लेकर आए हो इनके लिए? मैडम, वो गिफ्ट देने नहीं लेने आया हूँ। 7वें फ्लोर वाले सर जी का गिफ्ट था, गलती से आपको दे दिया। रुको, ये तो खोल दिया, अब वो साहब पूछेंगे क्यों खोला। चुपचाप लो और निकल जाओ, तुम और तुम्हारा पार्सल निकलो। सॉरी इशु, वो सब उस गार्ड की बेवकूफी की वजह से हुआ, हमने काफी एनर्जी वेस्ट कर दी ना। ईशान यहीं रहते हैं? Uh,